YouTube Live नाउ पर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि आप कितने करीने से रखते हैं सामान, कितना ऑर्डरली रखते हैं सामान। आप घर में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं या सोसाइटी में कहीं भी जाते हैं, तो आप देखिए कि कितना मैनेजमेंट आप रखते हैं सामान रखने में, कितना आप परफेक्टली हर चीज़ को मैनेज करके रखते हैं। आपने घर बनाया, उसमें कुछ रूम्स हैं, आप देख लीजिए कि आपने कौन सा रूम लिविंग रूम है, कौन सा ड्राइंग रूम है, कौन सा किचन है, क्या है स्टोर रूम है, उसके अकॉर्डिंग उसमें आप सामान रखिए। जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ कम से कम सामान रखिए, क्योंकि ज़्यादा सामान रखने से ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, तो ये व्यवस्था कर लीजिए। और वो पीसफुल होना चाहिए। जैसे आपका लिविंग रूम है तो आप देख लीजिए कि उसमें आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। ड्राइंग रूम है तो आपको कैसे अरेंज करना है, ये ना हो कि आपका ड्राइंग रूम हो और वहाँ पर आपने कपड़े भी टांग दिए, कपड़े गिरे भी पड़े हैं वहाँ पे, और सामान बिखरा पड़ा है, बुक्स गिरी हुई हैं। तो जो जिस टाइप से रखना चाहिए उसको आप वैसे अरेंज करके रखिए। ये ना हो कि आपने अपना स्टडी रूम बनाया है और उसके अंदर जो आपकी सारी बुक्स है वो बिखरी पड़ी हैं, पेन है वो गिरे पड़े हैं, पेंसिल्स इधर उधर पड़ी हैं। तो ये होती छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। एक पेंसिल, एक पेन आपने रखा, अगर आप उसे तरीके से रखेंगे तो आपको टाइम से हर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कभी यूज़ किया, कहीं रख दिया, तो ये चीज़ें या तो टूट कर नष्ट हो जाती हैं या फिर आपको सही वक्त पर मिलती नहीं है, अवेलेबल नहीं होती हैं। आपने जो बुक पढ़ी है उसको उठा के वैसे ही रख दिया वहीं पर, जहाँ आपने पढ़ा वहीं छोड़ दिया, तो ये एक गलत हैबिट है। उसे आपको जहाँ रखना चाहिए उस जगह पर आप रखिए। और जैसे किचन का सामान है, किचन में आपने रखा है, तो आप ये देख लीजिए कि आपने जो दालें कहाँ रखनी हैं और राशन का सामान किस प्रकार से अरेंज करना है। ये नहीं कि आपने सारा सामान मिक्स करके एक जगह रख दिया, जब ज़रूरत पड़े तो आप परेशान होते रहें कि अरे ये मैंने कहाँ रख दिया, और फिर ढूंढने में इतना टाइम निकल जाए कि आपको पता ही नहीं चले। जैसे लेडीज़ हैं, उनके बहुत महंगे महंगे कॉस्टली कपड़े होते हैं, कई बार पार्टी वेयर होते हैं, वो पड़े रहते हैं, काफ़ी महंगे कपड़े होते हैं, लेकिन उनकी हालत क्या होती है कि एक तरफ पटक दिया और फिर पता ही नहीं कि कैसे रखना है, क्या करना है, बाद में चाहे उसे कीड़े लग जाएं या वैसे ही ख़राब हो जाएं। तो आप ये नोटिस करिए कि आपको उनको तरीके से रखना है, ये नहीं कि उसको जिस किसी भी तरीके से पड़ा रहने दें, आप उसको अरेंज करके रखिए प्रॉपरली। ये ज़रूरी नहीं कि आप महंगे महंगे कॉस्ट्यूम्स कोई संभाल संभाल के रखें। हो सकता है आप महंगे कॉस्ट्यूम संभाल के रखते हो, आप सिंपल भी जो आप अपना जो भी कपड़े पहनते हैं, यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, उसको भी आप वेल अरेंज करके रखिए, ताकि ये ना हो कि जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपको मिले ही ना। चाहे वो एक छोटा सा हैंकी क्यों ना हो, जब आपको ज़रूरत पड़े अगर ना मिले फिर क्या अरेंज करके रखा आपने। तो ऑर्डरली रहना आपको आना चाहिए, अपनी चीज़ों और सामान को मैनेज करके रखना आना चाहिए। अब आप सोचिए कि आप डॉक्टर के पास जाएँ और उसने आपको दवाई देनी है, और अगर जैसे ही आपको उसने प्रेस्क्रिप्शन लिख के दिया, उसके पास मानो अवेलेबल है दवाई, उसको देनी है आपको, और वो ढूंढता फिरे कि अरे कौन सी दवाई देनी थी, कहाँ रख दी, क्या कर दिया, तो आप उस डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे? आपको लगेगा या तो कुछ मैनेज करके नहीं लगता, कितनी देर तो उसने दवाई ढूंढने में लगा दी, आपको ऐसा लगने लगेगा। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने रवैये में ये चीज़ रखते हैं कि सारा सामान आपका हौच पौच रहता है और आप अरेंज करके नहीं रखते हैं, तो आपका कितना टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स को ये खास तौर से चीज़ डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम के दिन आ गए और आपने चीज़ें सामान सही तरीके से नहीं रखा, तो जब आप एग्ज़ाम के लिए घर से निकलने लगेंगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपको लगेगा अरे बुक वो पता नहीं कहाँ रख दी, रोल नंबर कहाँ रख दिया, पेन कहाँ रख दिया, पेंसिल कहाँ रख दी, वो चीज़ कहाँ रख दी, स्केल कहाँ रख दी है, ये सब चीज़ें फिर आपको प्रॉब्लम करेंगी। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिए, अपना सामान अरेंज करके रखिए। और ये स्टूडेंट लाइफ से ही, बच्चों में, छोटे बच्चों में चाइल्डहुड से ही आदत डाल दीजिए कि उनको अपने हर सामान को बिल्कुल अरेंज करके रखना है, वेल अरेंज करके मैनेज करके रखना है और अपने रूम को क्लीन रखना है। जब आप स्टूडेंट में ही चीज़ डाल देते हैं चाइल्डहुड में, तब बड़े होने तक उसमें आदत अच्छे से डेवलप हो जाती और वो अपने हर सामान को व्यवस्थित तौर पर रखना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो जैसे अब आप देखिए पब्लिक प्लेसेस में लोग जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ सामान को इधर उधर गिरा देते हैं या कुछ ना कुछ उसकी सौंदर्य को ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये वो कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिन्हें कि वेल अरेंज रहने का, तरीके से रहने के आदत शुरू से डाली नहीं की होती। तो वो जहाँ जाते हैं, वो चाहे अपने रूम में रहेंगे तब भी गलत तरीके से रहेंगे,
और जब कहीं और भी जाएंगे तो वहां भी गंद बजाएंगे। तो ऐसे लोगों से न सिर्फ उन्हें खुद को परेशानी होती है बल्कि दूसरे लोगों को भी परेशानी क्रिएट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो जो अच्छी जगह पे गए वहां पर भी उसकी सुंदरता नष्ट करने में कुछ ना कुछ वो ऐसा काम कराएंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने कोई कचरा गिरा दिया, या कहीं ना कहीं वो ऐसे पब्लिक प्लेस पे गए वहाँ पे जाके पिलर है तो वहाँ पे जाके कुछ लिखा है गलत सलत। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक आपकी गलत आदत की निशानी है, उसे आपको चाइल्डहुड से ही, अगर बच्चों में आदत ऐसी हो रही है तो उसको बचपन से ही निकाल दीजिए। और अगर आप बड़े पर्सन हैं तो आपको खुद ही ये बात समझनी चाहिए कि आदतें गलत हैं, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करती बल्कि इसमें नेगेटिविटी ले आती हैं। तो हर चीज़ को आपको क्रम से रखना आना चाहिए, चाहे वो आपका परिवार हो या फिर वो आपका सोशल क्राइटेरिया हो या आपका जॉब प्लेस हो। वर्क प्लेस में भी आप सोचो कि आपको बहुत सारी फाइल्स वहाँ पे पड़ी हैं ऑफिस में, आपको जिस वक्त जिस फाइल की ज़रूरत पड़े अगर आपने उसको अरेंज करके नहीं रखा है, या आपके ऑफिस बॉय ने उसको अरेंज करके नहीं रखा है, जब आपको ज़रूरत पड़ी तब आप क्या करोगे? तब आप परेशान ही होगे, और क्लाइंट की उसी वक्त क्वेरी आ गई और आपको रिप्लाई करना अर्जेंट और फाइल मिल ही नहीं रही, क्या करोगे? काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो उस वक्त अगर आपको अवेलेबल नहीं होती है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अपने हर चीज़ को व्यवस्थित तौर से रखना शुरू करिए, ये एक पॉजिटिव रवैया है, ये आपकी पर्सनालिटी का एक पॉजिटिव पहलू बनता है। तो ये आदतें आपको बचपन से ही विकसित कर लेनी चाहिए और आपको ये हमेशा बनाए रखनी चाहिए। वो छोटी से छोटे तरीके से की बात हो, चाहे वो आपके कपड़े रखने की बात हो कि वो मुड़े हुए तुड़े ना हो, और बल्कि और सही तरीके से रखें वो, चाहे महंगी ज्वेलरी हो उसको सही तरीके से रखना चाहिए, ये ना हो कि आपके घर ज्वेलरी पड़ी है और आपने उसे कहीं भी रख दिया और वो कहीं भी गिर पड़ी या कुछ भी खो गई। तो आपको अपनी हर चीज़, वो चाहे कीमती है यह कम कीमती है लेकिन ज़रूरत की है, आपको वो हर चीज़ तरीके से अरेंज करके रखनी आनी चाहिए और उनको सीखना चाहिए कि आप उसे अरेंज करके रखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होती है, दूसरों को भी प्रॉब्लम होती है आपकी वजह से। अगर आपकी आप परिवार में रहते हैं तो परिवार के सदस्यों को प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको ये आदत नहीं है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपके हॉस्टलर्स में जो जो भी आपके साथ हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने सामान आप उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि आपने सामान संभाल के रखा होगा और वो आपने रखा नहीं, तब दिक्कत हो सकती है। और अगर आप ऑफिस में हैं और किसी फाइलों पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपने नहीं रखा व्यवस्थित, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे वो आप मेडिकल प्रोफेशन में या टीचर हैं, कुछ भी हैं, अगर अपनी अपनी फाइल्स को, अपनी चीज़ों को, अपने सामान को अरेंज करके नहीं रखा तो आपको उपयुक्त अवसर पर अगर वो नहीं मिलती है तो फिर आपने बहुत सारी अपनी गुडविल खराब कर ली, अपना क्लाइंट भी खो सकते हैं आप। तो इन चीज़ों को आप शुरू से ही समझ लें, और अगर अभी आपकी नेचर में ये डेवलप नहीं हुई ये चीज़ें तो अपनी आदत में शुमार कर लीजिए। इस यूट्यूब लाइव नाउ पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यूट्यूब लाइव नाउ पर मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करियर बिल्डिंग, पॉलिटिक्स और वेरियस इश्यूज की विविध और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए इससे जुड़े रहें, और ऐसे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।